हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं आपका दोस्त डॉक्टर हेमंत वर्मा लेके आया हूं आज एक और नया वीडियो गुरु द्रोणा आर्चरी के लिए। आज हम करेंगे इंस्टॉलेशन ऑफ ई कट साइट। ये साइट जो कंपाउंड की साइट है, हम इसका आज इंस्टॉल करेंगे। इसको किस तरीके से लगाना है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। तो चलिए मेरे साथ। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं यहाँ पर है ये डी कट की साइट जो मैं यहाँ पर खोल रहा हूँ। इसमें कुछ स्पेयर्स आते हैं, अलग अलग तरीके के ये स्पेयर्स आते हैं। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ एल्कीज और कुछ दूसरी चीज़ें आई हैं। ये एक छोटा सा सिलिकॉन का पैकेट है जो कि मॉइस्चर को मेंटेन करता है। यहाँ पर ये आई है साइट, साइट का हैंडल, और साथ ही साथ ये जो है ये भी जो है इसका मीटर गेज आया है। यहाँ पर ये एक स्क्रू है जिसे हम साइट को एडजस्ट करने में लगा लेंगे। मैं इसे बाजू में रख दूंगा और फिर हम अपना जो काम है वो कर लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो साइट है ये आई हुई है और इसको हमें पूरी तरीके से इंस्टॉल करना है। तो ये अलग अलग पार्ट्स में आती है। पहले हम इसको इंस्टॉल करने के लिए इस दोनों पार्टों को जोड़ लेंगे। ये दोनों पार्टों को जोड़ने के लिए जो मीटर गेज है उसको जोड़ने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे एलकी का। और देख रहे हैं आप यहाँ पे छोटे छोटे बारीक कुछ स्क्रूज आए हैं और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें भी आई हैं जो जिसे हम वाइसर बोलते हैं, और कुछ बारीक जो बॉल्स भी आपको यहाँ दिख रही होंगी। इनको हमें उठा के रख देना है क्योंकि ये जब कभी भी कोई स्क्रू या कोई वाइसर या फिर किसी तरीके की इसमें टेक्निकल अड़चन आती है तो उस समय पर हमारे ये काम आते हैं। तो मैं इन्हें उठा के रख दूंगा और सिर्फ इसके जो स्क्रूज हैं उनको मैं बाहर निकाल लूंगा। तो ये अब एलकी के सहारे से मैं इस स्क्रू को कस दूंगा, क्योंकि जो एलकी हैं इनके साथ में आती हैं। आपके पास अगर आपकी खुद की एलकी का सेट है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए मैं इसे कस लेता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एलकी को लगाकर मैं ये साइड को यहाँ से इसे मैं कस रहा हूँ। हाँ, ये मैंने इसे ठीक से कस लिया है। आपको भी ध्यान रखना है कि ये सेंटर में आए, और सेंटर में आने के बाद ये प्रॉपर तरीके से कस जाएगी। जो स्क्रू होते हैं काफ़ी फिटेड आते हैं, आपको इनको अच्छे से फिट कर लेना है। ये जो ग्रुप्स देख रहे हैं इनमें हमें ये फिक्सिंग दी हुई है कि कितने डिस्टेंस से हमें करना है, और ये जो गेज दिख रहे हैं ये गेज भी डिस्टेंस का है जो 10 से लेकर 120 तक का प्रिंट है। यहाँ पर बीच में जो आप देख रहे हैं ये एक लॉक पुशर है जहाँ पर से आपको जो साइड का गेज है उसको चलाने में आपको मदद मिलती है। हाँ, इसको देखिए दोस्तों, ये देखिए मैं पुश करके बता रहा हूँ किस तरीके से ये हो रहा है ना। आप चाहें तो नीचे से भी इसे, जो नीचे एक रोल दिया हुआ है उस रोल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर नहीं चाहते हैं तो आप वैसे नॉर्मली भी घुमा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, मैं आपको घुमा के दिखाता हूँ। ये आपको दिख रहा है ना, आप आवाज़ जा रही है और आपको ये साथ ही साथ पता चल रहा होगा कि किस तरीके से ये ऊपर की तरफ जा रहा है। यानी कि जो डिस्टेंस है वो अपने आर्चर के जो डिस्टेंस है उसके हिसाब से ही ऊपर नीचे हम कर सकते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ तो हो गया, अब मैं इसके नट को भी कस लूँगा जो कि साइट का दूसरा पार्ट है जहाँ पर हमें स्कोप फिट करना है। तो स्कोप फिट करने के लिए आप चाहें तो किसी स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर एक ग्रूव बना हुआ है, उस ग्रूव में स्क्रू ड्राइवर की मदद से आप उसे पूरा कर सकते हैं। मैंने तो यहाँ पर हाथ से ही कस रहा हूँ क्योंकि मुझे ये कसना है आपको दिखाने के लिए। अब देखिए, और ये जो बीच का जो पार्ट है उसे भी मैं कस लूँगा। अब ये लगभग कस चुका है। हाँ, अब हम दोस्तों ये जो आप देख सकते हैं जब स्कोप को बिठाना होता है तो उसके लिए भी एक होल बना हुआ है। इस होल को मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, और ये जो होल है इसके अंदर में स्कोप को हम फिट करेंगे। सबसे पहले हम स्कोप को फिट कर लेंगे। ये हमारा स्कोप है, और अब हम इसको इसके जो नट हैं उनको खोल लेंगे और उसके अंदर में जो हॉर्स दिया हुआ था उस हॉर्स के अंदर इसको डाल लेंगे। ये दोस्तों
ये मैंने इसमें डाल दिया है, मैं इसे फिक्स कर दूंगा। ये मैंने इसे फिक्स कर लिया है। अब बराबर से इसके जो होस में जगह बनी हुई थी वहां पर मैं इसे फिक्स कर दूंगा और मैं फटाफट से इसे कस दूंगा, है ना दोस्तों। कितना सिंपल है, ये है साइड को फिट करने के लिए सबसे आसान तरीका। स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करेंगे तो आप भी अपनी साइड को, कंपाउंड की साइड को या किसी रिकर की साइड को भी आप ऐसे ही सेट कर सकते हैं। टिकट की साइट एक बिगनर साइट है लेकिन काफ़ी अच्छी है, परफॉर्मेंस भी अच्छा है इसका। चलिए अब ये हमारा पूरी तरीके से साइट जो है ये तैयार हो गई है और अब मैं अपने बो को इसमें इसको फिक्स कर लूँगा। ये जो आप देख रहे हैं ये गेज के साथ में चलने वाली जो जगह दी हुई है इस जगह का हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर उस जगह के लिए जो स्क्रू आया हुआ है उसको हम फिक्स कर लेंगे ताकि साइड में हमें कोई अड़चन ना आए। जी हाँ, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मैं इसे रख के यहाँ पर जो स्क्रू के लिए होल दिए हुए हैं उन होल में फिक्स कर लूंगा ताकि ये स्मूथली चल सके। चलिए मैं अब इसे कस लेता हूँ। भी मैं इसकी मदद से एलईडी की मदद से इसे कस लूंगा। बिल्कुल टाइट हो गया है, इसी तरीके से दूसरे को भी मैं टाइट कर लूंगा। ये जो नट होते हैं दोस्तों ये काफी डेलिकेट नहीं होते हैं, मजबूत होते हैं, इसलिए आप इन्हें अच्छे से टाइट कर सकते हैं क्योंकि ये अगर साइट लूज हो गई तो प्रॉब्लम आता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आपको इसे मिला के फिक्स कर लेना है। ये इस तरीके से आपको फिक्स कर लेना है दोस्तों। अब ये जो स्क्रू दिया हुआ है इसे भी आपने इसमें डाल देना है। ये आप देख सकते हैं तो मेरी साइड जो है फिक्स कर दी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आपको ये बात अच्छे से समझ गए होंगे कि किस तरीके से साइट को लगाना है। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो मुझे ज़रूर संपर्क करें और वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़रूर शेयर कर दीजिए। अगर आपने हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बटन पर कमेंट जरूर कर सकते हैं और साथ ही साथ दोस्तों अपने आर्चरी के ग्रुप में बाकी लोगों को जोड़ते रहिए। तो चलिए मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।